इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक न्यूज़ से और बॉलीवुड से रहा है। पिछले 10 सालों से मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ न्यूज़ चैनल्स के लिए और इस वक्त थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ भी मूव कर गया हूँ। इत्तेफाक से मैं अपने शहर वापस अलीगढ़ आया और कुछ दिनों से यहाँ पर था। मेरी मुलाकात अलीगढ़ के काफ़ी जाने माने लोगों से हुई। उसी दौरान मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला। मुझे अंदाज़ा नहीं था उनके बारे में, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि वो एक बड़े लीडर की तरह यहाँ पे उभर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, काशिफ आबिदी। काशिफ, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस इंटरव्यू में आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यूथ लीडर होने से आपको कैसा लगता है समाजवादी के साथ? आप क्या ये खूबसूरत आप समाजवादी पार्टी का ये इस वक्त पहने हुए हैं, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं समाजवादी पार्टी में पिछले 8-9 सालों से काम कर रहा हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है कि जितना सम्मान किसी नौजवान को, किसी यूथ को अगर कोई पार्टी अगर दे सकती है, वो सिर्फ उसे समाजवादी पार्टी है। और ख़ासतौर से हमारे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो युवाओं को बहुत तरजीह देते हैं और युवाओं को बहुत सम्मान देने का काम उन्होंने किया है। और अपनी सरकार के अंदर तो 5 साल का जो कार्यकाल रहा समाजवादी पार्टी का, तो उसमें यूथ के लिए हमारे मुखिया ने बहुत ज़्यादा काम किया और बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में इनका योगदान रहा है, चाहे वो गरीब छात्राओं की छात्रवृत्ति की योजना हो, चाहे पेंशन वाली योजना हो, 50 लाख 55 लाख उन्होंने लैपटॉप्स दिए, साइकिल का वितरण किया उन्होंने, इसके अलावा स्कूल बैग बांटे। और शिक्षा को लेकर हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और उस काम को जहाँ तक मुझे लगता था कि नौजवान, क्योंकि नौजवान जो है वो एक किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है और उसका भविष्य जो है जो तय करने वाला होता है वो नौजवान होता है। और नौजवानों को बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत तरजीह दी। और लेकिन अब जहाँ तक अब देखने को मिल रहा है इस ये जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है, इसके अंदर ये लोग गा बजा को ज़्यादा रहे। अगर आप अगली इलेक्शन में आप एक साल से सबसे पहले अगली पोस्ट में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से समाजवादी पार्टी के लिए आते हैं, तो आप इन यूथ्स के लिए क्या करेंगे? इनडिस्क्रिमिनेटरी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आप इस बात को कैसे देखते हैं और यूथ आपको कैसे लगता है कि यूथ इस भारतवर्ष का भविष्य है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत अपना गर्वित महसूस करता हूँ कि मैं अलीगढ़ जैसे जाने माने शहर के अंदर मैं पैदा हुआ और यहीं पर मुझे राजनीति करने का मौका भी मिल रहा है समाजवादी पार्टी के साथ में काम करने का। अब बात करते हैं, अगर शिक्षा की बात अगर करें, क्योंकि अलीगढ़ का जो नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर शिक्षा के नाम से जुड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा ही फेमस है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, लेकिन एक बहुत अहम सवाल मेरे दिमाग में इस वक्त है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी एक मंदिर का बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है, जिसमें कि RSS और जो बजरंग दल है, इन्होंने एजिटेशन किया 4-5 महीने पहले। ये एजिटेशन हुआ जिसमें आप लोग, ये काफ़ी लोग इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ आए और उन्होंने हंगामा किया कि मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में लगा हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ये एजिटेशन किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक मंदिर कायम होना चाहिए। आपको एज ए यूथ लीडर फ्रॉम समाजवादी पार्टी, आप इस बात को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि क्या यूनिवर्सिटी के अंदर मंदिर होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अभी भी बहुत सारे हिंदू छात्र पढ़ते हैं, और नहीं होना चाहिए तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ सबसे पहली बात ही क्लियर कर दूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पर जितनी तादाद में मुसलमान हैं उतनी तादाद में हिंदू भाई मौजूद हैं, उतनी बराबर की तादाद में हमारे और जगहों से जो क्रिश्चियंस हैं वो लोग मौजूद हैं, जो अलग अलग देशों से यहाँ पर अपनी पढ़ाई लेने के करने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक धारणा जो बना रखी है, जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो RSS
जिनके जिस्म के अंदर बसा हुआ है वो सोच, वो गोडसे वाली सोच जो है, वो सोच को यहाँ पर लाके यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना उनका मकसद। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन ही इनका मकसद है, इलेक्शन को जीतना? देखिए इलेक्शन के दौरान ही ये जो भीड़िए हैं ये एक्टिव होते हैं और अपने आप को चमकाने के चक्कर में, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम जो ध्रुवीकरण पोलराइजेशन करने के चक्कर में इनका जो मेन मकसद है इनका। अगर एक बंदे बन जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो इसमें क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को या मुसलमानों को कोई आपत्ति हो? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अपने कानून, कानून कोई शख्सियत साहब कुछ कानून यहाँ पर ऐसे बना के गए हैं कि उनको मालूम था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर काफी मस्जिदें हैं। और मैं इसी बात पे, लेकिन मैं आपको एज एन इंडियन काशिफ साहब आपसे सवाल किया जा रहा है कि एज एन इंडियन, एक भारतीय की नज़र से अगर आप हिंदू होते तो आप इस पीस को किस तरीके से देखते? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये देश जो चलता है ये संविधान पर चलता है, ठीक है। संविधान अगर नहीं होता तो शायद आज देश जो है बिल्कुल, हम जिस तरीके से जो हमारी जो सरकारी शाखाएं हैं जिस तरीके से वो काम कर रही हैं शायद वो काम नहीं कर पाती। उसी में से एक हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो कि केंद्र के अधीन काम करती है, इसके अपने कानून नियम और कानून है। और हम लोग अगर मुस्लिम भाई भी अगर मुसलमान अगर चाहता है कि साहब यहाँ मस्जिद हम और एक और तामीर करते हैं तो हम मस्जिद भी नहीं बना सकते यहाँ पर, क्योंकि सरसियत साहब ने उनको मालूम था कि आने वाले मस्जिद मस्जिद काशिफ अब्दी साहब काफी मस्जिदें यूनिवर्सिटी के अंदर है। मैंने नहीं, मंदिर भी मौजूद है, तीन मंदिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से ही। अगर एक मंदिर बन जाता तो क्या ऐतराज है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को और मुसलमानों का? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप खाली मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप तमाम हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को, सबको रिप्रेजेंट करें, इस बारे में आपका क्या कहना है? और मैं इस बात को जानता हूं, मानता हूं कि ये आरएसएस की पोलराइजेशन और एक टारगेट थ्योरम है जिसके थ्रू वो मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, वो जानबूझ के ये इस तरीके की कैंपेन रन कर रहे हैं जिसमें कि इन बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। लेकिन अगर मंदिर होता तो उसमें आपका क्या कहना? देखिए सबसे बड़ी बात ये, दोनों बातों का मैं आपसे सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी छात्र चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी मजहब का छात्र हो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाई लेने के लिए आता है। मैं एज यूथ लीडर मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर नए कोर्सेज आने की जरूरत है, नए डिपार्टमेंट्स खुलने की जरूरत है, ऐसे कोर्सेज ऐसे टेक्निकल एजुकेशन को यहाँ पर और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि नौजवान आने वाले समय के अंदर देश के अंदर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सके। मैंने ये बात सुनी है आपका जवाब से, जो आपने बात कही कि हमें ना मंदिर की जरूरत है यूनिवर्सिटी में, ना मस्जिद की, हमें जरूरत है नए कोर्सेज की। आने वाले वक्त का क्या प्लान है आपका एज अ यूथ लीडर? आप इस इलेक्शन में 2019 की आपकी क्या तैयारी है और यूथ को आप कैसे जमा कर रहे हैं और बाकी इन पार्टीज को जो कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है उनकी आइडियोलॉजी को आप कैसे टारगेट करें? देखिए ऐसा है, अब जो मौजूदा जो समय चल रहा है इस मौजूदा समय के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये लोग जो भाजपा का जो बीजेपी की जो आरएसएस आइडियोलॉजी के लोग हैं वो इन मुद्दों को भटका के इन मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे मीडिया के अंदर सारा मीडिया वो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की सिर्फ बात करना चाहता है, उनको नहीं। काशिफ साहब ये तो बेसिक इनकी नेसेसिटी है बेसिकली, ये इसी पे अपना वोट बैंक खड़ा करते हैं। लेकिन आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप बेसिक डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, जिसे वो रोटी रोजी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं या म्यूनिसिपल सपोर्ट इन लोगों को, क्योंकि दिन के आखिर में औरतों को घर में गैस चाहिए, बच्चों को किताबें चाहिए और एजुकेशन चाहिए, घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या आपकी आइडियोलॉजी इनकी इस आइडियोलॉजी पे जिसमें वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं या और तमाम इशूज को लाते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आपकी इस आइडियोलॉजी ये ब्रेक कर सकती है 2019 के इलेक्शन को? देखिए अब हिंदुस्तान समझ चुका है, हिंदुस्तान जो है वो आज परेशान है अपनी गरीबी से। गरीब परिवार ये कोशिश कर रहा है कि मैं 3 टाइम का खाना मैं अपने बच्चों को कैसे खिला पाऊंगा, अपने जो छोटे छोटे बच्चे उनको दूध कैसे पिला पाऊंगा। गरीबी और महंगाई जो है बिल्कुल चरम सीमा पर है हिंदुस्तान के अंदर। आने वाले समय के अंदर अगर ये लगातार इसी तरीके से बात करते रहे और देश को लगातार इन लोगों ने पीछे धकेलने वाला, लैपटॉप्स दिए गए
साइकिल्स दी गई, बैग्स दिए गए, स्कूल बैग्स दिए गए, जिससे हमें लगता है कि हर बच्चा आज एजुकेशन जो है वो अपनी शिक्षा को लैपटॉप पे। नई नई पॉलिसीज क्या है एजुकेशन पे यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, नई पॉलिसीज जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने निकाली, वो सब नौजवान ने उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको तरजीह दी, उनको माना, उनको समझा, उनकी एक सोच को समझा। वो जिस सोच के साथ काम कर रहे थे यूथ के लिए, मैं समझता हूँ कि जिस मैं भी उस टाइम पर बहुत लगातार मैंने जो योजनाएं की, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का मैंने काम किया, तो लगता था मुझे लोगों के अंदर जो उत्साह जो हुआ करता था, उनको लगता था ये देखिए साहब लैपटॉप में लेके बैठा हुआ हूँ, मुफ्त के अंदर लैपटॉप मुझे मिला है, और जिस चीज़ को मैं नहीं, मेरी हैसियत नहीं थी वो पाने की, आज मैं लैपटॉप पर बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, अपने आप को वो गर्वित महसूस करता था, वो अखिलेश यादव के नारे लगाया करता था बैठ के। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और मेरे पास सवाल काफी है। एंटरटेनमेंट मीडिया बॉलीवुड का अखिलेश यादव गवर्नमेंट कई फिल्में फीचर फिल्म इस वक्त बनाई गई, क्या कोई नई योजना है? क्योंकि बच्चे एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं खाली पढ़ाई के अलावा, एंटरटेनमेंट मीडिया सेगमेंट पे या बॉलीवुड फिल्म्स पे, इस पर कोई नई पॉलिसीज या इस पर ध्यान दिया जा रहा है अखिलेश गवर्नमेंट का? क्या इस गठबंधन में उसी तरीके से फॉर्मेट चलेगा, फिल्मों को बनाने का मौका दिया जाएगा, मीडिया को सपोर्ट किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात पिछले हमारी जो सरकार जो है, सरकार हो चाहे ना हो, इस चीज़ का समाजवादी पार्टी पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी हर चीज़ को चाहते हैं कि इसको किस तरीके से हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से इसको हम इनकी मदद कर सकते हैं। तो बॉलीवुड की बात आपने करी, तो बॉलीवुड के जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जी, जितना अखिलेश यादव जी को चाहते हैं, मुझे लगता है कि सफाई महोत्सव इतना बड़ा महोत्सव है जिसमें बॉलीवुड के बड़े एक्टर सलमान खान तक आते हैं, या हमने तो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को आते हुए देखा, और वो एक इवेंट ऐसा होता है सफाई में जो मुलायम सिंह का क्षेत्र है और अखिलेश यादव का भी बेशकली क्षेत्र है, वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट किया जाता है। तो हम इस पे भी थोड़ा सा मीडिया का सपोर्ट, मीडिया भी आप लोगों के सपोर्ट में है, और हम अखिलेश यादव जी को एक बहुत बड़े लीडर के, हम तो सिर्फ गरीबों की सपोर्ट में है जी, बेरोजगारी की सपोर्ट में है, और आने वाले समय के अंदर किसानों को किस तरीके से हम उसको फसल का जो फसल जो जो किसान उगाता है उसका उसका असल मूल्य किस तरीके से मिलता है। मीडिया को सपोर्ट, आप मीडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे इसका? नहीं, मीडिया देखिए, हम मीडिया को सपोर्ट करते हैं, हम मीडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मीडिया आजकल टीवी पर क्या दिखा रही है? फार्मर्स एसोसिएशन पे आप क्या काम कर रहे हैं फार्मर्स के लिए? देखिए, फार्मर्स एसोसिएशन के लिए जितना काम हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने किया है, क्योंकि वो खुद नेता, क्या नाम, वो खुद किसान परिवार से है, और वो बहुत हद तक इस चीज को समझते होंगे समस्याओं को। आपको लगता है कि फार्मर्स का सबसे ज्यादा वोट बैंक है यूपी के अंदर? बेशक, देखिए 75% 75% हमारी जनसंख्या देश की जो है वो किसान भाई, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन बीजेपी ने भी कोई भी योजना नहीं छोड़ी। राहुल गांधी ने कितनी बड़ी योजना शुरू की और स्टेट्स के अंदर, इन्होंने कर्ज तक माफ कर दिया है, क्या आप लोगों के पास तरीके की कोई स्कीम है जिसमें आप फार्मर्स? देखिए, बिल्कुल स्कीम हमारे नेता के पास हर वर्ग के लिए स्कीम, और किसानों के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, मुझे लगता है कि अगर आने वाले टाइम में गठबंधन हमारा कामयाब होगा जी, और जब सरकार में जब हमारा योगदान जब रहेगा, तो हम किसानों के लिए काम करेंगे जी, और बिल्कुल किसानों का ऋण जो माफ करने की पूरी कोशिश मैं अपनी तरफ से नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी बिल्कुल अगर सरकार में अगर आए और गठबंधन हमारा अगर जीता, बिल्कुल जीतेगा जी, तो वो किसानों का ऋण तो माफ हो गई, सारी समस्या भी उनका खत्म करने का। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी। इन यूपी के शहरों में कंपैरेटिवली हम लोग और स्टेट्स में जाते हैं, दिल्ली में या महाराष्ट्र में बिजली नहीं जाती, यहाँ पे बिजली की बहुत बड़ी परेशानी है, इसके बारे में क्या काम है, क्या काम करेंगे? फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछला मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में आपको लेके जाना चाहता हूँ, प्लेबैक में लेके जाना चाहता हूँ। हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने, इनके काम इतने हैं बिजली को लेके, इन्होंने इतना काम किया, इतने मेगावाट्स या कासिमपुर पावर हाउस का उद्घाटन किया लगातार, मतलब प्रदेश के अंदर कोई ऐसा गाँव, कोई ऐसा मजरा नहीं था कि जहाँ पर लाइट ना पहुँचाई हो, और लाइट के अलावा भी इन्होंने प्रोडक्शन करने की कोशिश करी, क्योंकि जिस टाइम पर सरकार जब हमारी बनी थी उस टाइम पर 17,000 करोड़ का एक कर्जा बिजली का जो था वो हमारे प्रदेश के ऊपर बोझ के तौर पर हमें गिफ्ट में मिला, जिसको अखिलेश यादव जी ने चुकाया भी, और बाद में बिजली पर इस तरीके से काम किया कि आने वाले समय के अंदर बिजली का प्रोडक्शन तो बड़ी बड़ा, जो बिजली हम और स्टेटों से उधार लिया करते थे, आज उतना प्रोडक्शन हम उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं, और उसके अलावा सोलर पर भी, सोलर लाइट पे जिस तरीके से काम किया, मैं
मैं इस चीज़ को आपको बता दूं, आने वाले समय के अंदर सोलर पे जिस तरीके से हमारे जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंटिस्ट जो हमारे काम कर रहे हैं, सोलर को भी बहुत तरजीह दी, और जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको वो हमें उम्मीद उम्मीद करते हैं समाजवादी गवर्नमेंट से कि वो उसको उस तरीके से वापस लाएगी जो बात आप कह रहे हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन स्टेट में होगा उत्तर प्रदेश में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिजनेस व्यापार। अलीगढ़, खाली हम अलीगढ़ या कोल की बात करें, अलीगढ़ क्षेत्र वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे व्यापार बहुत स्ट्रांग है कंपैरेटिवली कानपुर के और यूपी के और स्टेट्स में। यहाँ पे तालों का, ब्रास का बहुत मेजर व्यापार है और बिलियनर्स हैं यहाँ पे लोग, और ताले एक्सपोर्ट हो रहे हैं क्रॉस। इन लोगों को बिजली की नंबर वन जरूरत है। व्यापार मूवमेंट में आप लोग क्या काम कर रहे हैं, व्यापार एसोसिएशन से आपका किस तरीके से गठबंधन है, या क्योंकि ज्यादातर व्यापार मंडल भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ इनका अलायंस है, समाजवादी पार्टी व्यापार मंडल के लिए क्या काम कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है और यूथ समाजवादी पार्टी। देखिए सबसे बड़ी बात, व्यापार जो जुड़ा हुआ होता है, व्यापार जिस भी जगह पर जाता होगा तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेस हाईवे से गुजरता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से रोड पर काम किया, एक्सप्रेस हाईवे को बनाने का काम किया, लिंक रोड बनाने का काम किया, लखनऊ से आप अंदाजा करिए अलीगढ़ जिसको हम 10-12 घंटे हमें लगा करते थे पहुंचने में, आज 4-4.5 घंटे 5 घंटे तो पहुंचते हम लोग। तो रोड का इन्होंने ऐसा जाल बिछा दिया उस रोड और हाईवे से आज व्यापार कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अलीगढ़ के जो लिंक रोड से, जो कानपुर वाला जो जीटी रोड है वो बहुत शानदार किया, मुरादाबाद हाईवे इन्होंने अपने कार्यकाल में पास करने का काम किया। आपका उससे पहले लखनऊ वाला हाईवे बन चुका था, आप लखनऊ वाला हाईवे बताइए जी, पूरी दुनिया के अंदर समाजवादी पार्टी ने काफी डेवलपमेंट किया है हाईवेज के, और व्यापार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो व्यापार कहीं ना कहीं जो है वो रोड से जुड़ा हुआ होता। मैं आपको और से बता दूं, व्यापार को बढ़ाने के लिए हमारे नेता ने बहुत हद तक सब्सिडीज देने का काम किया, व्यापारियों को समझकर उनकी जितनी भी समस्याएं का समाधान हो सकता था, पीतल के एक्सपोर्ट में उन्होंने टैक्स फ्री करने का काम किया, और तालों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी, क्योंकि हमारे नेता यहाँ पर जो शहर के जो हमारे विधायक थे जफर आलम साहब, वो खुद एक लिंक ब्लॉक के मालिक हैं, उनको जाहिर सी बात है उनकी तरफ से भी जो समस्याएं आती थी वो रखते थे। कांग्रेस का क्या पोजीशनिंग आप समझते हैं यूपी के अंदर, कांग्रेस क्योंकि मेन जो फाइट हम देख रहे हैं एज एन एनालिस्ट ऑफ प्रेजेंट इलेक्शन में, हम जो फाइट देख रहे हैं वो बेसिकली बीजेपी आरएलडी एसपी का कॉम्बिनेशन और भाजपा के बीच में, कांग्रेस कहाँ एग्जिस्ट करती है, और कांग्रेस तो वोट इस वोट बैंक को कट कर रहे हैं। कांग्रेस, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का अलायंस हो या कांग्रेस फॉर्मेशन के चक्कर में सरकार यहाँ पर? देखिए ऐसा है, देश सब ये चाहता है कि भाजपा किस तरीके से हिंदुस्तान से जुड़े, ये आरएसएस वाली सोच, इस मानसिकता को खत्म हम किस तरीके से कर सकते हैं, अपने देश का संविधान हम किस तरीके से बचा सकते हैं। आज देश का जो सच्चा नागरिक है उसकी सिर्फ और सिर्फ तवज्जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोच जो है संविधान को बचाने की है, और संविधान को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्षेत्र इस प्रदेश के अंदर ही क्षेत्रीय पार्टियों का अपना एक अलग वजूद है जी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि देश के अंदर लोकसभा के अंदर कोई सरकार, कोई पार्टी अगर सरकार अगर बनाएगी तो सरकार बनाने का दरवाज़ा यूपी है, तो सरकार बनाने का दरवाज़ा समाजवादी पार्टी है, तो सरकार बनाने का दरवाज़ा पीएसपी और आरएलडी है। मुसलमानों के लिए